मोटो जी थर्ड जनरेशन हार्ड रीसेट प्रोसेस। अगर आपके मोबाइल बार बार बंद हो रहा है या उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप एक बार अपने मोबाइल को ज़रूर हार्ड रीसेट कीजिए, हो सकता है इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके लिए आप मोबाइल को बंद कीजिए, फिर उसके बाद आप पावर बटन और वॉल्यूम की दोनों को एक साथ क्लिक कीजिए। 5-6 सेकंड बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो आपको उसमें से रिकवरी मोड ऑप्शंस को चूज़ करना है। सारे स्टेप्स आप हमारे साथ फॉलो कीजिए। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा जिसमें नो कमांड लिखा होगा, वैसे ही आप फॉलो कीजिएगा। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं, वाइप डेटा ऑब्लिक फैक्ट्री रीसेट, यह ऑप्शन है, इसे आपको चूज़ करना है। फिर आप पावर बटन को क्लिक कीजिए। अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, इसमें से आप लास्ट वाला ऑप्शन यूज़र डेटा प्लस पर्सनलाइज्ड कंटेंट, इसे आपको चूज करना है। अब आप वेट कीजिए, कुछ इस तरह से होगा प्रोसेस। देखिए इसके बाद आपके पास फिर से ऑप्शन आ गया रीबूट सिस्टम नाउ, तो आपको रीबूट सिस्टम नाउ इसे ही क्लिक करना है। फिर से आपने पावर बटन दबाया, अब आप वेट कीजिए। हमारे मोबाइल का हार्ड रीसेट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। देखिए तो आप भी कीजिए, अगर आपके मोबाइल में भी प्रॉब्लम्स हैं तो। इसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, जैसा जैसा प्रोसेस होता है वो आप कर लीजिए। इसके बाद जैसा न्यू मोबाइल होता है वैसे ही सेम प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।